हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। आई एम सुजीत कुमार, परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके घर परिवार को आशीष दे, मेरे प्रिय भाई और बहनों। ठीक है, हम विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो को समय निकाल कर देख लेना, थोड़ा बहुत ठीक है, आपके मसीह जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले अपने चेलों से एक बात कह गए थे, कोई शैतान कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें भरमाने न पाए, कोई तुम्हें पाप में गिराने न पाए, इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना। ठीक है मेरे प्रिय भाई बहनों, पिता ने कहा है, पिता ने यीशु मसीह ने कहा है, पिता हम सभी से प्रेम करता है। यीशु मसीह यह चेतावनी बार बार देकर गए थे कि तुम जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन या किसी घड़ी भी आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता है कि मेरे बेटे बेटियां नाश हो, नरक जाएं। पिता ये नहीं चाहता है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ठीक है, प्रभु का धन्यवाद कहे जो पिता ने जीवित रखा है। याद करो उस दिन को, याद करो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह 30 साल की उम्र में उसने दुख तकलीफ में गुजार दिए हमारे और आपके लिए। कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती से, सुख सा, दर्द सा, हमारे आपके पापों के कारण। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है लबी लबी करने में, सेक्स वीडियो देखने में। अरे सुधर जाओ, बचा लो अपने आप को नरक की आग से। जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना एक भयानक बात है, जो परमेश्वर स्वर्ग में बैठे बैठे आकाश पृथ्वी चंद्रमा को हिलाकर रख देता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस परमेश्वर से डरो। आकाश पृथ्वी थरथराते हैं, डरते हैं परमेश्वर से। उस परमेश्वर से डरो, डरो मेरे प्रिय भाई और बहनों, डरो। समय कम है, दिन बुरे हैं। जो भी पाप गलती गुनाह हुई, पिता के सामने समक्ष रख दीजिए, बोल दीजिए, पिता में माफ कर दे, माफ कर दे। अगर आपको हस्ते मैथुन करने की आदत पड़ गई है तो उसे छोड़ दो, व्यभिचार काट कर फेंक दो, गलत काम काट कर फेंक दो। सामने वाली लड़की को कब तक छेड़ते रहोगे, सामने वाली गेट वाली लड़की को कब तक आंख मारते रहोगे, कब तक पाप करते रहोगे, कब तक व्यभिचार करते रहोगे, क्या अंत नहीं? कभी तो इन सब पापों का अंत होगा मेरे प्रिय भाई और बहनों। याद करो, थोमा भालों से बेदा गया था, भारत आया था प्रचार करने, यूहन्ना तेल में तला गया, पतरस को उल्टा लटकाया गया था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इनके दर्द को महसूस करो मेरे प्रिय भाई और बहनों, वरना जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है वो निकल जाएगी उस अनंत काल की आग में। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है लबी लबी करने में, बड़ा मजा आ रहा है सेक्स वीडियो में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है छत पर जाकर लड़कियों को ताकने में, गेट के सामने लड़की को आंख मारने में, छेड़ने में, बड़ा मजा आ रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं है। जब कलिसिया उठा ली जाएगी इस धरती के ऊपर से, तब शुरू हो जाएगा 7 साल का महाभारी क्लेश काल का, 3.5 साल क्लेश काल के, 3.5 साल महाक्लेश काल के। अरे देखो उस दिन को, देखो वह आता है। तेरे विरुद्ध चक्र घूम चुका है। वह दिन शब्द का, कुल्हड़ का ही नहीं। फिर सुधर जाओ, अंत निकट है, रप्चर कभी भी हो सकता है। जब एक समय की बात है, चले लोग यीशु मसीह से आकर पूछने लगे। जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर बैठे थे तो चले लोग यीशु मसीह से आकर पूछने लगे, हे स्वामी, तेरे आने के, तेरे जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? तब यीशु मसीह ने चेलों से एक बात कही थी, तुम भरमाए न जाओ, तुम कोई दुष्ट आत्मा कोई मनुष्य के पीछे पड़ कर तुम भ्रमित ना हो जाओ। यीशु मसीह ने बात पहले कही थी मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज मसीह जाग कर रहे हैं, वे तो सामने लड़की को पटाने में लगे हुए हैं, वे तो आज हेलो गुड बाय करने में लगे हुए हैं, आज जाग कर रहे हैं। आज हम तो सामने लड़की को पटाने में लगे हुए हैं। कहीं मुझसे रूठ ना जाए, कहीं मुझसे बोलना ना बंद कर दे, कहीं मुझसे बोलने ना लगे। जितना हमें उस गर्लफ्रेंड से डर लग रहा है कि मुझे छोड़ ना दे, उतना डर हमें उस परमेश्वर से नहीं लग रहा है। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके सामने आकाश और पृथ्वी थरथराते हैं, चंद्रमा काले पड़ जाते हैं, जो स्वर्ग में बैठे बैठे इस धरती को हिला देता है भूकंप के द्वारा, उस परमेश्वर से आज जरा भी डर नहीं लग रहे हैं। डर लग रहा है तो अपनी सामने वाली गर्लफ्रेंड से लग रहा है कि वह मुझे छोड़ ना दे, मुझसे नाराज ना हो जाए, मुझसे बोलना ना बंद कर दे। डर लग रहा है तो गर्लफ्रेंड से लग रहा है, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से नहीं लग रहा है। सुधर जाओ, बचा लो। यीशु मसीह किसी को नाश करना नहीं चाहता है। प्रभु आपसे अपने आंखे की पुतली की तरह प्रेम करता है, संभाल कर रखता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप खुद पाप करके नरक में जाना चाहते हो तो परमेश्वर इसमें कुछ नहीं कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके सम्मुख जीवन और मृत्यु सम्मुख रख दी है। फैसला आपका है, चुनाव भी आपका है, किसको चुनना चाहते हो। वचन एक जैसा सभी के लिए, चाहे वह मसीह पर विश्वास करता हो, चाहे वह अन्य जाति हो,
जैसा यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, यीशु मसीह ने जो कहा है वह तो होगा ही। फैसला आपका है, बताना मेरा काम है जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है। सुधर जाओ। वह नए एक वर्ष नर्क में चले गए, वहाँ आपकी गर्लफ्रेंड भी आपको निकालने बचाने नहीं आ पाएगी। उस लोक में जहाँ पर धनवान तड़प रहा है, उसका शरीर तो अभी मिट्टी में मिला पड़ा हुआ है, मगर उसकी आत्मा अभी भी तड़प रही है खून प्यास के कारण। वैसे आपकी आत्मा, वैसे आपका शरीर तड़पेगा उस अनंत काल की आग में। जो आप शरीर में, जब शरीर जो मिट्टी में मिला पड़ा हुआ है, जो आत्मा है उसको प्रभु आत्मा शरीर दोनों को मिलाकर रख देगा, तब उसका प्रभु न्याय करेगा। शरीर में डालेगा उसको नरक में हमेशा हमेशा के लिए न्याय करके। जिस शरीर में अपने व्यभिचार और गलत काम किया होगा, उसको वही शरीर में परमेश्वर उसको नरक में फेंक देगा, जहाँ की अग्नि बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं। ऐसा करते छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।